व्हाट इज पीपल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडी विशाल। और बड़े दिन से मन कर रहा था कि कुछ बाहर का फिर से बनाएं और फिर से खाएं, जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल में राजमा चावल, जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उसके साथ ग्रीन चटनी भी बनाएंगे और मज़ा आ जाने वाला है, पूरी वीडियो एंड तक देखना। चलो बनाएं, लेट्स गो। तो गाइस राजमा बनाने शुरू करते हैं, शाही राजमा, जो कि बहुत ही बढ़िया और गाढ़े गाढ़े बनेंगे, एकदम स्ट्रीट फूड स्टाइल बनेंगे, स्ट्रीट स्टाइल। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर की ग्रेवी और 2 प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च की ग्रेवी अलग बना ली है, और ये पीस के मैंने इसलिए रख लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ऑयल ले लेते हैं 2 चम्मच, इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, तेल गर्म हो गया। और ये एक बड़ी इलायची, अब इसमें जीरा डालेंगे, और जीरे के साथ ही हम इसमें लौंग भी डाल रहे हैं, 2-3 लौंग डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी पहले ही डालेंगे क्योंकि भुनी हुई हल्दी का जो फ्लेवर होता है ना, वो अलग ही आता है। और अब इसमें जो हमने प्याज का मसाला बनाया है वो डाल देंगे। तो हमारी प्याज 80% भुन चुकी है, खुशबू बहुत बढ़िया आने लगी है। अब इसमें ये 4 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ध्यान रखना 2 प्याज और 4 टमाटर का रेशियो रखें, क्वांटिटी जैसी हो राजमा की, हम 4 दिनों के लिए बना रहे हैं। और टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है राजमा में, जिससे उसकी ग्रेवी जो बनती है ना, गाढ़ी गाढ़ी राजमा बनते हैं, वो इसी से बनते हैं। अब इसे भी, अब टमाटर डालते ही आप नमक जरूर डाल दें, उससे थोड़ा ये जल्दी भुनेगा। तो जब हमारा ये 60% भुन जाए, इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, छोटी चम्मच डाली है मैंने, आप देख लेना। और हरी मिर्च हमने डाली थी, साथ में ये देगी मिर्च डालेंगे थोड़ी। और यहीं पे हम डालेंगे 1.5 चम्मच किचन किंग, बस। अब इन मसालों को भून लेंगे। मैं किचन किंग का हर सब्जी में 1 चम्मच का इस्तेमाल तो जरूर करता हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इन मसालों को भून लेते हैं। ये ऑलमोस्ट भून चुका है, अब इसमें हम जो राजमा हमने पहले ही बॉईल करके रखे थे, ये राजमा इसमें ऐड कर देते हैं। राजमा आपको जो बॉईल करने हैं वो अच्छे से करने हैं, मतलब जो राजमा एकदम घुल जाए, टाइट ना हो। सारी चीजें मैं पहले से इसलिए कर ली हैं ताकि वीडियो ज्यादा पड़ी ना हो। अब बढ़िया से मिलाने के बाद इसको हमें बॉईल करना है अच्छे से। तो ये हमने 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, अब इसे खोल लेते हैं 15 मिनट बाद। ये देखो तेल भी ऊपर आ गया है और हमारे राजमा भी गाढ़े हो गए हैं, ये देखो लग रहे हैं ना एकदम मस्त गाढ़े गाढ़े राजमा, ये देखो। तो बस यही है, ऑलमोस्ट तैयार है ये। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी जरूर डालें, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ा सा हम ये धनिया डाल देते हैं, हमने काट के रखा हुआ था। और एंड में जो डलेगा वो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने गरम मसाले शुरू में भी यूज़ करे थे, साबुत वाले। बस अब इसको मिला दें बढ़िया से, और ये हमारा राजमा, शाही राजमा तैयार। लग रहा है ना मस्त एकदम। इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसे खाएंगे। ये देखिए ये शानदार राजमा, ये है शाही राजमा, और एकदम गाढ़े गाढ़े बहुत बढ़िया, एकदम स्ट्रीट स्टाइल में हमने बनाए हैं। और बहुत ही आसान है ये बनाने, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हमने अपनी प्लेट लगा ली है, देखो कितने बढ़िया हमारे, मैं हाथ से ही खाऊंगा क्योंकि हाथ से खाने का मज़ा अलग ही होता है। राजमा देखो कितने बढ़िया हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये हमने मिंट चटनी बनाई है, ये देखो प्याज के साथ, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले एक बाइट लेते हैं चावल के साथ। ओए होए, गरम गरम राजमा और चावल, भाई साहब मज़ा आ गया। और क्या बात है,
एकदम बढ़िया, जो हल्की सी खटास होती है ना राजमा में, जो बाहर मिलती है मार्केट में, और गाढ़े गाढ़े ग्रेवी वाले, एकदम सेम टू सेम टेस्ट है और बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मजा आ गया भाई। मैं अपनी रेसिपी बहुत दिल से बनाता हूँ, तो मोस्टली मेरी जो रेसिपीज हैं बढ़िया बन जाती हैं। अब ये लेते हैं प्याज के साथ, और ये जो मिंट चटनी है इसके साथ एक बाइट लेते हैं। और इसमें हमने धनिया और दही डाला है, और बहुत ही बढ़िया एकदम मार्केट स्टाइल की चटनी है। ये बाइट गई। मिंट का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, और बहुत ही सिंपल है ये चटनी भी बनानी, कभी आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये जो राजमा है ना, इनमें गरम मसाले का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, एकदम घुले हुए राजमा बने हैं, बहुत बढ़िया। और प्याज और चटनी के साथ तो इसका मजा ही अलग है। जबरदस्त। अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। मजा आ गया भाई, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बनाओ बढ़िया बढ़िया, और बढ़िया बढ़िया खाओ। चटनी और प्याज, मजा आ गया एकदम। बस एक थोड़ा सा दही का रायता और होता तो और मजा आता। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, आगे और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, सब्सक्राइब जरूर करना।